फ्रेंड्स, कल रात से लेकर आज दिन भर तक कुछ हमने 11 स्नेक रेस्क्यू किए, तो आप देख सकते हैं कुछ स्नेक वेनामस है, कुछ स्नेक नॉन वेनामस है। जो कि वेनामस स्नेक जो है हम कुछ इस साइड में छोड़ेंगे और जो नॉन वेनामस स्नेक है हम कुछ इस साइड में छोड़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड जो वेनामस स्नेक रहते हैं वो नॉन वेनामस स्नेक को खाते हैं। तो आइए अब हम इसको कुछ ही समय में अलग अलग जगह में रिलीज करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम कुछ नॉन वेनामस स्नेक रिलीज करवाते हैं। अभी हम कुछ पांच सांप जो कि जहरीले नहीं होते हम उनको एक साथ छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्नेक को, ये कॉमन उल्फ स्नेक है जिसे कौड़ा कहा जाता है। इसका जो मुंह है वो कुछ रहता है उसी की तरह दिखता है, इसके वजह से इसको कॉमन उल्फ स्नेक कहा जाता है। तो आप इसका कलर देख सकते हैं, अपनी घर की जो छत रहती है या दीवार रहती है इसी को ये चिपक जाता है। और ये नॉन वेनामस स्नेक है। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन ट्रिंकेट स्नेक है जिसे मराठी में तस्कर कहा जाता है, इंग्लिश में कॉमन ट्रिंकेट कहा जाता है, और जो इसको हिंदी में अलंकार यानी आभूषण की तरह ये दिखने वाला स्नेक है, इसके वजह से इसको अलंकार भी हिंदी में कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये स्नेक कुछ चिपकली रहती है, मेंढक रहते हैं, इसकी खोज में आपके घर में आ सकते हैं। और ये नॉन वेनामस स्नेक है। तो फ्रेंड्स, ये चेकर्ड किलबैक स्नेक है जिसे मराठी में पांदिवड़ कहा जाता है, ये भी नॉन वेनामस स्नेक है। इसके जो शरीर की रचना है कुछ चेकर्ड की तरह दिखाई देती है आप इसका। तो फ्रेंड्स, इसकी आंखें सफ़ेद दिखाई दे रही है, इसकी वजह से ये केचुली निकल रहा है। तो आप देख सकते, ये कुछ ही दिनों में अपनी केचुली डाल देगा। कुकरी स्नेक है जिसे मराठी में कुकरी कहा जाता है, जो कि नॉन वेनामस स्नेक है, चिपकली रहती है, सरडे रहते हैं, उसी की इसी प्रकार का ये भोजन करते हैं। ये रात में निकलने वाला स्नेक है और इसके जो दांत रहते हैं वो इतने तीखे रहते हैं कि वो आपके शरीर को डैमेज भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्रकार के स्नेक को हाथ ना लगाएं। दो कॉमन कुकरी स्नेक है जो एक ही तरह के दिखते हैं, तो आप देख सकते हैं। हम पहले कॉमन कुकरी स्नेक को रिलीज करवाते हैं। रैट स्नेक है जिसे मराठी में धामन कहा जाता है, जो कि नॉन वेनामस स्नेक है। ये जो रैट स्नेक रहते हैं बड़े बड़े, उसी का बेबी है ये। तो फ्रेंड्स, मेंढक रहते हैं, चूहे रहते हैं, इसी की खोज में ये आपके घर में दिखाई देते हैं। ये काफ़ी फुर्तीले होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन रैट स्नेक है जिसे मराठी में धामन कहा जाता है, इंग्लिश में रैट स्नेक कहा जाता है। और
महाराष्ट्र में इसको घोड़ा पचाड़ सांप भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, तो अभी हम चेकर्ड किलबैक रिलीज करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिंकेट स्नेक है, इसी भी हम कुछ ही समय में रिलीज करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये कॉमन वुल्फ स्नेक है, तो अब हम इसको भी रिलीज करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तीन इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे मराठी में नाग कहा जाता है, और बहुत ही हाईली वेनामस स्नेक है ये। तो आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे मराठी में हम नाग कहते हैं। अगर आपको इसकी पहचान करनी हो तो कुछ ये इस प्रकार हुड निकलता है, यानी फन निकलता है, तो पहचान में आता है ये नाग है करके। और भारत में फ्रेंड्स तकरीबन 10 से 15,000 लोगों की हर साल इस स्नेक काटने से मौतें होती है। तो भारत देश का बहुत ही पॉइजनस स्नेक है फ्रेंड्स ये, तो हम इसको एक एक करके अलग अलग जगह में रिलीज करवाएंगे। तो अभी हम इसको रिलीज करवा रहे हैं। तो अभी हम इसको भी रिलीज करवाएंगे, रिलीज करवा देंगे। फ्रेंड्स इसमें बेबी कोबरा है, तो फ्रेंड्स इसमें जो कोबरा रहता है, बड़े कोबरा रहते हैं, उसी का छोटा बच्चा है, यानी बेबी कोबरा है, तो इसे भी हम रिलीज करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें इंडियन रसल वाइपर है, जिसे महाराष्ट्र में घुनस, मराठी में परड़ कहा जाता है, और बहुत ही हाईली वेनामस स्नेक है। तो आइए अब हम इसको रिलीज करवाते हैं। ये फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्नेक काटता है तो आपको गैंग्रीन हो जाता है। तो आइए अब हम इसको रिलीज करवा रहे हैं।
फ्रेंड्स, ये दोनों भी वेनामस स्नेक है। एक जैसी दिखने वाले स्नेक है, एक कॉमन क्रेट है और उसी की तरह दिखने वाला वॉल स्निक क्रेट है। तो जो उसकी सब पेसिस है, तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों भी एक जैसे वाले दिखने वाले स्नेक है, ये वॉल स्निक क्रेट है और ये कॉमन क्रेट स्नेक है। दोनों भी रात के समय निकलने वाले स्नेक है। इसके कलर में कुछ अलग सा डिफरेंट है। वॉल स्निक क्रेट को छोड़ रहे तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दूसरे को भी हम छोड़ रहे हैं, ये भी वॉल स्निक क्रेट है। तो फ्रेंड्स, हमने दिन में निकलने वाले स्नेक जो है हमने दिन में छोड़ दिए, और जो रात में निकलने वाले स्नेक है वो रात के समय छोड़ दिए। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।